नमस्कार, मैं रफीक मोहम्मद उर्फ संजू, उप प्रधान ग्राम पंचायत हरनोटा। मेरी तरफ से सभी गांव वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार जो है जो सभी देशवासियों के लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आए। शाहपुर कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया की मौजूदगी में प्रदेश की तीनों विधानसभा और एक लोकसभा की सीट की जीत का जश्न कांग्रेस कार्यालय रैत में पटाखे फोड़कर और लड्डू बांटकर मनाया। फतेहपुर विधानसभा में केवल सिंह पठानिया ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने गांव-गांव जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को रूबरू करवाया तथा भाजपा सरकार की गलत नीतियों व झूठे विकास वायदों के बारे में अवगत करवाया। उनकी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते फतेहपुर में जीत हासिल हुई। कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया को जीत के लिए लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ये कांग्रेस की नीतियां तथा जनता के आशीर्वाद का परिणाम है, जिसके लिए उन्होंने मतदाताओं को बधाई दी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने धनतेरस के उपलक्ष्य पर और प्रदेश के उपचुनावों की तीनों विधानसभा सीटों और मंडी संसदीय सीट की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि जनता ने भाजपा की प्रदेश सरकार को आईना दिखा दिया। अब प्रदेश की जनता 2022 के चुनावों में भी इस तानाशाही सरकार को बाहर करने की तैयारी में बैठी है। हिमाचल की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, अर्की विधानसभा क्षेत्र और जुगल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से जो है कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को जताया है, और समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये 2022 का ट्रेलर था और ये एक साल पहले ही हिमाचल प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आएगी। और मैं आपको बता दूं, ये चेतावनी है उन सांप्रदायिक ताकतों को जो देश में बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल, तेल, सब लोगों का ये जवाब है कि आने वाले समय में जो है बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, और खासकर कि कांगड़ा का जो फतेहपुर का चुनाव था वो कांगड़ा के लोगों ने बता दिया कि आने वाला कांगड़ा चंबा जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। मंडी संसदीय क्षेत्र का जो कहते हैं बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बड़े हमारे सशक्त नेतृत्व हैं, उन्होंने बता दिया है। लोकसभा की सीट जो मैं कहता हूं, पिछली बार हमने 4,05,000 वोटों से हारी थी, इस बार हम 15,000 से जीते हैं। 5,15,000, ऐसा न भूत न भविष्य थी जब वे कहते थे कि हमारे जो है प्रत्याशी बड़े मतों से जीते हैं। हम मंडी जो है 5,15,000 वोटों से दोबारा हम जीते हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। और कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा, संगठन ने जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम किया, हमारा जो नेतृत्व है, तो चाहे वो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राठौर जी हों, CLP के नेता अग्निहोत्री जी हों, इक्का विक्रमादित्य सिंह जी हों, तमाम हमारे जो श्रीमती आशा कुमारी हों, सभी नेतृत्व में एकजुट होकर जो है वो काम किया है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने, मैं कहता हूं वीरभद्र सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वीरभद्र सिंह ने जो 6 बार मुख्यमंत्री बतौर हिमाचल प्रदेश की जनता का जो काम किया था, आज राजा वीरभद्र सिंह को सत्य में जो है राजा वीरभद्र सिंह जो हिमाचल की जनता ने जो है चारों की चारों सीटें आज वो स्वर्ग में है, चारों की चारों सीटें जिताकर जो है हिमाचल की जनता ने जो है वो आज मैं कहता हूँ बधाई दी है, हिमाचल की जनता ने श्रद्धांजलि दी है, सच्ची श्रद्धांजलि आज वास्तव में हिमाचल की जनता ने जो है ये जो जनमानस हुआ है, ये जो जनमत आया है, ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये जो लोग तीसरी चौथी पार्टियों की बात भी करते थे, हिमाचल की जनता ने क्लियर कट बता दिया है, हिमाचल प्रदेश में आने वाली 66 की 66 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी
जनता जीतेगी और समस्त मैं कहता हूँ जनता का मैं तय दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ वर्तमान सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। रोज पब्लिक स्कूल सुल्याली की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भाई दूज एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी, मैं सागर सिंह सागर महादेव हार्डवेयर स्टोर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली आपके परिवार और आपके सभी दोस्तों के लिए खुशियां लाए। धन्यवाद।